अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अडोबे फोटोशॉप में देखेंगे कि हम मैजिक वैंड टूल की मदद से कैसे से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ इमेज मैंने एक वेबसाइट है unsplash.com वहाँ से डाउनलोड की है। एक इमेज उठाया और यहाँ पे लाके हमने इसको प्लेस कर दिया। अब हमें इसका बैकग्राउंड मूव करना है, तो आप टूल बार के अंदर आएँ और सेलेक्ट करें मैजिक वैंड टूल, इसको यहाँ पर आकर क्लिक कर दें। अच्छा, आपको सिलेक्शन ऐड नहीं हुई, तो सिलेक्शन ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करना है और जहां जहां पे आप क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। अब सिलेक्शन ऐड हो चुकी है, तो अब आप माउस का राइट क्लिक करें और सेलेक्ट करें सिलेक्ट इनवर्स। ये क्या करेगा कि सिलेक्शन को इनवर्स कर देगा, यानी कि जो सिलेक्शन नहीं हुई उसको ये जाके सिलेक्ट कर देगा। अब आप क्या करें, इसी को एक नई लेयर में जाके पेस्ट कर दें। ये अब नई लेयर में पेस्ट हो चुका है। अब आपने इसका पीछे जो भी बैकग्राउंड लगाना है वो एक न्यू लेयर एक और ऐड करें और इसको इसके नीचे रखें और यहाँ से इमेज उठाएं, कोई सा भी इमेज, ये बड़ा प्यासा स्काई है, इसको उठाएं और यहाँ पे ला के रख दें। अब आपने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे ही आपने एडजस्ट करना है, इस तरह आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक सिलेक्शन हो गई। अब जैसे कोई और आपने स्काई लेके आना तो वो आप यहाँ पे ला के आप अब इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप एडजस्ट कर लें। चलिए हम कोई और इमेज जो है ना वो देखते हैं। जैसे ये इसको मैं यूज करता हूँ। अब आपने जो पहले जो सेम प्रोसीजर किया वही आपने करना है, सेलेक्ट करना है मैजिक वैंड टूल, यहाँ पे क्लिक कर दें, देखें कि सिलेक्शन पूरी हो चुकी है। हाँ, सिलेक्ट पूरा हो चुका है। अब आप सिलेक्ट इनवर्स करें और फिर एयर वाया जो है कॉपी उसको कर दें। अब आपने जो बैकग्राउंड में इमेज लगाना है वो आप लेके आए, जैसे ये हम वैसे यूज कर चुके हैं, ये दोनों ये नीचे वाला कर लेते हैं। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप एडजस्ट कर लें। हमने ये इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब एक नया इमेज लेके आते हैं, इसे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लाके आपने प्लेस कर दिया तो एक नई विंडो में ये ओपन हो जाएगा। वही सेम प्रोसीजर, सिलेक्ट मैजिक वैंड टूल, इसको क्लिक करें, ये सिलेक्शन अब देखें पूरी ऐड हो चुकी है। माउस राइट क्लिक सेलेक्ट इनवर्स, माउस राइट क्लिक लेयर वाया कॉपी, यानी कि ये एक नई लेयर में जाके इसको पेस्ट कर देगा। अब आपने जो इन बैकग्राउंड रिमूव करना है जो लगाना है वो आप बैकग्राउंड यहाँ से ले आए, यहाँ पे ला कर रख दें, ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ना हम ओपेसिटी कम कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ये हमने ये भी चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम ना ऐसा करते हैं कि कोई और इमेज लेके आते हैं, ये हमने यहाँ पे ला के प्लेस कर दिया, ड्रैग एंड प्लेस, सिलेक्ट मैजिक वैंड टूल। अच्छा, अब ये भी सिलेक्शन पूरी तरह नहीं हुई, तो आपने सिलेक्शन को ऐड करना है तो आपने शिफ्ट की को दबाना है,
और जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। ये अब वही सिलेक्ट इनवर्स, देन माउस राइट क्लिक और इसको दूसरी लेयर में जाके पेस्ट कर दें। ये देखिए पूरी तरह इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आप क्या करें कि कोई इमेज ले आए या इसी में कोई ना ब्राइट सा जो है कलर वो फिल कर दें। या हमने कलर पिक किया और हमने ऑल्ट एंड बैक स्पेस को जब दबाएंगे तो कलर फिल हो जाएगा जो आपने कलर पिक किया होगा। चलें एक और इमेज ले जाते हैं यहाँ पे, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बिल्डिंग का इमेज है, यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे ला कर प्लेस कर दिया। सेम वही तस्वीर जो पहले बताया मैंने आपको, सेलेक्ट मैजिक वैंड टूल और इसको यहाँ पे ला के माउस से करें क्लिक करें तो ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। माउस राइट क्लिक, सेलेक्ट इनवर्स, माउस राइट क्लिक और इसको दूसरी लेयर में जाके कर दें आप पेस्ट कर दें। तो ये देखिए अपना ये दूसरी लेयर में पेस्ट हो चुका है। अच्छा अब कोई इमेज आप इसका बैकग्राउंड में जो भी आपने लेके आना है वो आप ले आए। ये रखिएगा कि जो अगर जो भी इमेज अपने बैकग्राउंड प्रेस करना है ना वो जो उस इमेज की बैक पे होना चाहिए, मतलब कोई वो लेयर ऊपर होनी चाहिए ये लेयर नीचे होनी चाहिए। ये हमने इसको प्लेस कर दिया। अब जरा जूम करके देखते हैं कि ये सिलेक्शन ठीक हुई है। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक और इमेज ले जाते हैं। ये भी बिल्डिंग का इमेज ले लेते हैं हम, यहाँ ड्रैग किया और इधर प्लेस कर दिया। अब सेम वही प्रोसीजर जो पहले मैंने आपको बताया, सेलेक्ट मैजिक वैंड टूल, यहाँ पे क्लिक कर दे। अच्छा ये भी सिलेक्शन थोड़ी सी नहीं हुई, पूरी तरह नहीं हुई, तो इसको भी वही सेम मतलब जो पहले बताया मैंने आपको कि ना शिफ्ट की दबाएंगे तो आपने सिलेक्शन को ऐड करना है, अगर आप ऑल्ट की दबाएंगे तो जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन उससे ना वो ना डिलीट होती चल जाएगी। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, हो चुका है। तो ये सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। माउस राइट क्लिक, सेलेक्ट इनवर्स, माउस राइट क्लिक करके हमने सेलेक्ट इनवर्स किया, फिर माउस राइट क्लिक किया और लेयर वाया कॉपी पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है सिलेक्शन एक नई लेयर में जाके पेस्ट हो जाएगी। अब आपको बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर लें, इसके नीचे नई लेयर लें और उस लेयर को उस इमेज के नीचे रखें। ये हम ले लेते हैं, वैसे ये पहले भी यूज हो चुका है। तो ये इमेज ले आएंगे हम, इसको अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लें। चलिए आज की वीडियो के लिए यही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।